हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत। आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे पॉइंट पर, ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी इस मेडिकल फील्ड में हैं बट कई सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो वो फेस कर रहे हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाई वन डिस्कस करेंगे, 5 पॉइंट होंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लास्ट तक बने रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, काम करेगा आपके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो होता है आपका डिग्री। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपका क्लिनिक प्रॉपर रन हो, लोग आप पर ट्रस्ट करें और आप भी बहुत सारा पैसा भी कमाए, रेपुटेशन भी हो, सारी चीज़ें हो, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपके पास प्रॉपर डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपको आपके पास प्रॉपर डिग्री है इस फील्ड में जाने के लिए, तो आप ये मान के चले कि फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर है। तो आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो दैट्स गुड, डिप्लोमा है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, वेरी गुड। नहीं है तो आप डिग्री भी ले सकते हैं, डिग्री भी अवेलेबल है। तो इनमें से रिलेटेड टू योर प्रोफाइल जो भी आप जैसे मान लीजिए आप फिजियोथेरेपी में जाना चाह रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मसाज थेरेपी में जाना है तो आप उसका ले सकते हैं, आपको लग रहा है मुझे नेचुरोपैथी में जाना है तो उसका ले सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर प्रोफाइल में, पैथी में आप जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री आप जरूर लें। ये पहला हमारा पॉइंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लोकेशन। आपको जब भी क्लिनिक स्टार्ट करने की प्लानिंग आप कर रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ ट्राई करना है कि लोकेशन आपके लिए सुटेबल है, क्या उस लोकेशन में ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर हैं। अगर हैं तो उस लोकेशन को आप साइड करें, दूसरे लोकेशन भी ट्राई करें, या फिर उस लोकेशन में बहुत सारा डेंस एरिया है, डेंस एरिया मीन्स बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो आप अपना क्लिनिक वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्लिनिक आसानी से रन होगा। देखिए जब आप हॉस्पिटल अपना ओपन करें तो हॉस्पिटल आप जंगल में भी आपको करेंगे ना, तो वहाँ पर भी पेशेंट पहुँचता है, एक वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन क्लिनिक के बारे में आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जितने ज़्यादा पेशेंट जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अपनी क्लिनिक को इस तरीके से आप सेटअप करें कि जो भी पेशेंट आए उसको अंदर से खुशी मिले कि हाँ डॉक्टर ने बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर रखा है। क्लिनिक का एनवायरमेंट बहुत अच्छा हो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सिटिंग एरिया बहुत प्रॉपर हो, डिस्पेंसरी होनी चाहिए, पेशेंट को जो भी एग्जामिनेशन जो टेबल होती है वो एक सेपरेट हो, जिससे कि आराम से वो उसका एग्जामिनेशन कर सके। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो मुझे उम्मीद है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पेशेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें आपका अपना बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, क्योंकि पेशेंट आपकी डिग्री आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आ तो जाएगा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू वो तभी बनेगा जब आपका बिहेवियर अच्छा है। तो अपना बिहेवियर पोलाइट रखें, ऐसा बिहेवियर रखें जो एक डॉक्टर का होना चाहिए, हमेशा केयर करें पेशेंट की, तो इस तरीके का बिहेवियर आपको रखना है, क्योंकि अच्छे बिहेवियर से आप पेशेंट का दिल जीत लेते हैं और आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है, अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव होता है तो। उसके बाद अगर हम बात करें आपको सोशल रहना, थोड़ा सा आपको सोशल इसलिए रहना है क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी उतना तेज़ी से आपका नेटवर्क बनेगा। तो नेटवर्क बनाने का आप फोकस करें, ज़्यादातर लोगों से जुड़े, अच्छे से बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो ये 5 पॉइंट थे, मुझे उम्मीद है ये 5 to 5 आपको आपकी हेल्प करेंगे आपकी क्लिनिक को सेटअप करने में। तो ये चीज़ें ज़रूर करें जब भी आप क्लिनिक को स्टार्ट करें। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स आपको।